चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट फ्रेट पे केबो लगी है इजी करने के लिए। कॉर्ड्स कुछ इस तरीके से हैं, ई माइनर, उसके बाद है B7, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद है सी मेजर, डी मेजर, जी मेजर, ए माइनर एंड बी माइनर, ठीक है। तो इतने कॉर्ड्स यूज हैं, फिर से देख लेते हैं। E माइनर, उसके बाद है B7, C मेजर, D मेजर, G मेजर, A माइनर एंड B माइनर, और आप बार भी रख सकते हैं, अगर आप रख सकते हैं तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं प्लकिंग पैटर्न की तरफ। इसमें मैंने रिदम नहीं यूज करके प्लकिंग पैटर्न का यूज किया। आप चाहे तो रिदम भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिदम यूज करनी है तो आप यूज डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, ये यूज कर सकते हैं पूरे सॉन्ग में, ठीक है। डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, और जो लास्ट का डाउन है वो एज ए फिलर काम करेगा। डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन। ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने प्लगिंग पैटर्न यूज किया तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो ई माइनर कॉर्ड है और जो जी माइनर कॉर्ड है उनके लिए सेम रहेगा 6 5 2 3 1 2 3 2, ठीक है, 6 5 2 3 1 2 3 2। जी के लिए एग्जैक्टली सेम 6 5 2 3 1 2 3 2। सी मेजर, ए माइनर, बी सेवन और बी माइनर के लिए भी एग्जैक्टली सेम रहेगा 5 4 2 3 1 2 3 2, ठीक है, 5 4 2 3 1 2 3 2। ए माइनर के लिए भी 5 4 2 3 1 2 3 2। बी सेवन के लिए भी एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है, और बी माइनर के लिए भी अगर आप बार रख रहे हैं तो सेम रहेगा 5 4 2 3 1 2 3 2, अदरवाइज आप 4 3 2 3 1 2 3 2 प्ले करेंगे अगर आप इस तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। डी के लिए अलग होगा 4 3 2 3 1 2 3 2, 4 3 2 3 1 2 3 2, ठीक है। अगर आपको प्लकिंग पैटर्न टफ लग रहा है तो आप उसकी जगह रिदम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। जो पहली चार लाइन की जो प्रोग्रेशन है एग्जैक्टली सेम है, और वो कुछ इस तरीके से है। ई माइनर, उसके बाद बी सेवन लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद वापस ई माइनर है, ठीक है, देन थोड़ी देर के लिए ए माइनर एंड वापस बी सेवन लगाया। आप चाहे तो आखिरी का जो ए माइनर और बी सेवन है उसको स्किप कर सकते हैं, आप वापस ई माइनर से वापस बी सेवन पे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हालांकि थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट रहेगा अगर आप इसको प्ले करेंगे, ठीक है, अदरवाइज आप वो भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्रेशन थी वो है ई माइनर, बी सेवन, ई माइनर, ए माइनर एंड वापस बी सेवन, ठीक है। तो मैं प्लकिंग में प्ले करके दिखा देता हूँ इसको। एक सांवर सी लड़की बावरी सी, इसी तरीके से आगे की तीनों लाइनें प्ले होंगी, ठीक है। गुस्से में वो पल के सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे की जो प्रोग्रेशन है वो है डी मेजर, बी माइनर, सी मेजर टू जी मेजर, और जो नेक्स्ट लाइन है उसकी है डी मेजर, बी माइनर, सी मेजर, और लास्ट में इसमें चेंज हुआ है ई माइनर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, फिर बी माइनर आएगा, लड़की सी मेजर मिल जाए तो कह, जी मेजर ना, वापस डी पे, वो लड़की मिल जाए तो कह, ई माइनर, ये चेंज रहेगा ना, ठीक है। तो एक बारी कंप्लीट रिदम में प्ले करके दिखा देता हूं।
वो लड़की मिल जाए तो कहना, हाँ वो लड़की मिल जाए तो कहना। ठीक है, अब इसके बाद की जो प्रोग्रेशन है वो है E माइनर वापस B7 देन E माइनर, इसके बाद सेम प्रोग्रेशन रिपीट होगी और लास्ट में सेकंड टाइम A माइनर टू B7 लग जाएगा। और इसमें थोड़ा सा अलग करना है, इस तरीके से करना है, डाउन डाउन। अब इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर जो भी आपको सही लगे। ठीक है, फिर B7 लगेगा, वापस B7। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी करना है। आप चाहें तो सिंगल स्ट्रोक मार के भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो जो फील है वो नहीं आएगा इसमें आपको, तो थोड़ा जल्दी कॉर्ड इस तरीके से स्ट्रोक मारने पड़ेंगे। एग्जैक्टली सेम नेक्स्ट है, और आखिरी में ये ऐड कर देंगे। ठीक है, और वापस हम पहली वाली लाइन रिपीट करेंगे, लड़की तो कहना। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ की प्रोग्रेशन है वो है E माइनर टू वापस B7 टू टाइम्स, उसके बाद है E माइनर, D मेजर, C मेजर एंड वापस B7। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। थोड़ी थोड़ी आंखें नम बातों में दाबी भी दो। ठीक है, उसके बाद है हंसी नहीं दीवार हंसी दीवार तुम्हारे। ठीक है, अब इसके बाद की जो प्रोग्रेशन है वो है A माइनर टू B माइनर देन C मेजर टू वापस B7। ठीक है, ठीक है, और वापस वो लड़की मिल जाए तो कहना, रिपीट कर देंगे हम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।